हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन ऑफ केस स्टेटमेंट। इन स्विच केस स्टेटमेंट्स कंट्रोल जंप्स वन ऑफ द मेनी अल्टरनेटिव्स। हमें पता है कि स्विच केस स्टेटमेंट का हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल अल्टरनेटिव में से किसी एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना होता है तो हम स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। सिंटैक्स क्या होता है? स्विच यहाँ पर एक्सप्रेशन रहता है जो इवेल्यूएट होता है। ये इसका बिगिन है स्विच का, ये एंड है। अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू इस वैल्यू से मैच होती है, ठीक है, जैसे से मान लो वैल्यू वन है, ये वैल्यू टू है, ये वैल्यू एन है, तो अगर ये एक्सप्रेशन सॉल्व होने के बाद इसकी वैल्यू अगर वैल्यू वन के इक्वल होती है तो केस वन एग्जीक्यूट होगा। अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो आती है वो वैल्यू टू के इक्वल है तो केस टू एग्जीक्यूट होगा, केस टू का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसी टाइप से वैल्यू एन आने पे स्टेटमेंट ये वाला एग्जीक्यूट होगा। और अगर जो एक्सप्रेशन आया है उसकी वैल्यू किसी भी इस केस से मैच नहीं हो रही है तो डिफ़ॉल्ट के साथ जो स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसको ये अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें कि स्विच ई यहाँ पर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्विच का बिगिन एंड केस, वैल्यू वन को हमने लिखा है वी वन, स्टेटमेंट को लिखा है हमने एस वन, तो केस वी वन कॉलन एस वन, केस वी टू कॉलन एस टू, अप टू केस वी एन माइनस वन कॉलन एस एन माइनस वन, और डिफ़ॉल्ट में एस एन को लिखा है। अब इसका अगर हमें थ्री एड्रेस कोड लिखना है तो ये किस टाइप से कन्वर्ट होगा थ्री एड्रेस कोड में विद द हेल्प ऑफ सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। यहाँ पर मैं सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन के सिमेंटिक एक्शंस नहीं बता रही हूँ, सिर्फ आपको बता रही हूँ कि सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन यूज़ करके इंटरमीडिएट कोड जनरेटर जो है वो थ्री एड्रेस कोड जो जनरेट करेगा वो किस टाइप से होगा। तो ये फाइनल जो है ये थ्री एड्रेस कोड होगा इस केस स्टेटमेंट का। तो ट्रांसलेशन ऑफ ए केस स्टेटमेंट क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा, देखो, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन ई को हमें इवेल्यूएट करना होगा। तो हमने वही लिखा है कोड टू इवेल्यूएट ई इंटू टी, यानी ई एक्सप्रेशन में जैसे लिखा हुआ ए इंटू बी, ठीक है, और ए की वैल्यू फाइव गिवन है, बी की वैल्यू टू गिवन है, तो फाइव इंटू टू टेन, ये पहले एक्सप्रेशन जो होगा वो इवेल्यूएट होगा और इसकी जो वैल्यू आएगी हम उसे किस में स्टोर कर देंगे, टी में। गो टू टेस्ट, यहाँ पे देखो टेस्ट लेबल है, ये यहाँ पर जंप करेगा कंट्रोल, और क्या लिखा है हमने, इफ़ टी इक्वल्स टू वी वन, अगर ये जो टी आया है ये मैच कर रहा है वी वन वैल्यू से, फर्स्ट वैल्यू से मैच कर रहा है, क्योंकि हमने केस में लिखा है कि केस वी वन पे हमें कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, एस वन, तो इसीलिए हमने लिखा है इफ़ टी इक्वल्स टू वी वन गो टू एल वन। एल वन पे क्या होगा, कोड फॉर एस वन होगा, फिर जब इसका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो गो टू नेक्स्ट, क्योंकि सिर्फ एल वन लेबल पे जो स्टेटमेंट एस वन है सिर्फ वही एग्जीक्यूट होना चाहिए, दूसरे स्टेटमेंट्स नहीं एग्जीक्यूट होने चाहिए, तो इसीलिए हमने गो टू नेक्स्ट से कहाँ ले आए, स्विच केस स्टेटमेंट के बाद जो भी स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो कहाँ पर होंगे, नेक्स्ट में, तो वो हमने कंट्रोल को वहाँ जंप करवा दिया क्योंकि हमें सिर्फ स्टेटमेंट वन को एग्जीक्यूट करवाना है। सिमिलरली यहाँ पर क्या लिखा होगा, इफ़ टी इक्वल्स टू वी टू गो टू एल टू, तो अगर टी की वैल्यू वी टू के इक्वल है तो कहाँ पर चले जाओ, एल टू पे, एल टू पे क्या है स्टेटमेंट टू और गो टू नेक्स्ट। ऐसे ही क्या होता है, इफ़ टी इक्वल्स टू वी थ्री तो एल थ्री पे जंप होता, कोड फॉर एस थ्री गो टू नेक्स्ट, इस टाइप से ये चलता जाएगा, इस टाइप से ये आपको इफ़ लिखने हैं। और फाइनली यहाँ पर डैश डैश करके लिखो कि इफ़ टी इक्वल्स टू वी एन माइनस वन गो टू एल एन माइनस वन, अगर टी की वैल्यू वी एन माइनस वन की इक्वल हुई तो हमें कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है, एस एन माइनस वन, और वो हमें कहाँ पर मिलेगा, एल एन माइनस वन लेबल पे। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो एल एन माइनस वन का कोड जो होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि कोड फॉर एस एन माइनस वन यहाँ पर लिखा होगा और गो टू नेक्स्ट। लेकिन टी इक्वल्स टू वी वन भी नहीं था, टी इक्वल्स टू वी टू भी नहीं था, टी इक्वल्स टू वी थ्री भी नहीं था, टी इक्वल्स टू वी एन माइनस वन भी नहीं था, सारी कंडीशंस फॉल्स हो गई, तो हमने क्या लिखा है, गो टू एल एन, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर एक भी केस ट्रू नहीं हुआ तो कौन सा एग्जीक्यूट होता है, डिफ़ॉल्ट वाला। डिफ़ॉल्ट वाला कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये सारे केसेस फॉल्स हो जाएंगे, तो डिफ़ॉल्ट में हमें कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, एस एन। तो गो टू एल एन से क्या होगा, एल एन पे हमने लिखा है कोड फॉर एस एन एंड गो टू नेक्स्ट। तो इस टाइप से जो है ये थ्री एड्रेस कोड लिखा जाएगा स्विच केस स्टेटमेंट का।